हेलो गाइस, मैं हूं आपका नरेटर अमित और आपका स्वागत है मेरे चैनल ई पैट्रॉन योर इंटरनेट बड़ी में। मेरी रिसेंटली अपलोडेड वीडियो पर एक व्यूअर ने मुझे सजेशन दिया क्लासिक हॉरर मूवी व्हाइट ज़ॉम्बीज़ को एक्सप्लेन करने का, जो कि ईयर 1932 में रिलीज हुई थी। और मैं आपको बता दूं, ये सबसे पहली ज़ॉम्बी मूवी है और व्हाइट ज़ॉम्बी में ट्रेडिशनल ज़ॉम्बीज़ को फीचर किया गया है, ना कि आज के मॉडर्न टाइम के वायरस इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ को। मूवी को डायरेक्ट किया है विक्टर हेल्पर्ट ने और मूवी के मेन किरदार में है बेला लगुसी, जिन्होंने क्लासिक मूवी ड्रैकुला में का रोल किया है। साथ में मेज बेलोनी, रॉबर्ट फ्रेजर एंड जॉन हेरोन ने भी व्हाइट ज़ॉम्बी में अहम किरदार निभाए हैं। व्हाइट ज़ॉम्बी की करंट IMDb रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10 स्टार, जो कि काफी अच्छी रेटिंग है कंसीडरिंग व्हाइट ज़ॉम्बी की रिलीज डेट। इस मूवी को रिलीज के टाइम पे कुछ खास लाइकिंग नहीं मिली, बट ओवर द टाइम इस मूवी को काफी ज़ॉम्बी फैंस ने पसंद किया है। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे द गेट 1987 की फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो डाली थी, जो कि एक क्लासिक हॉरर मूवी है जिसकी अपनी ही अलग कल्ट फॉलोइंग है। अगर आपने वो किसी वजह से अभी तक नहीं देखी है तो एज यूजुअल लिंक इज इन द आई बटन। और अगर आप एक ज़ॉम्बी मूवी फैन हो तो मेरे चैनल पे ज़ॉम्बीज पे पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, तो डू चेक इट आउट। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इस चैनल पे मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के अलावा इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहता हूँ। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो हिट द लाइक बटन एंड ड्रॉप अ कमेंट, इट मीन्स अ लॉट टू मी। अब बात करते हैं व्हाइट ज़ॉम्बी की। मूवी की कहानी में हमें एक यंग कपल मेडलिन शॉर्ट एंड नील पाका को दिखाया गया है, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बट मेडलिन पे एक अमीर इंसान की नजर पड़ जाती है जिसका नाम था चार्ल्स पेमोंट। और जब चार्ल्स मेडलिन को किसी भी तरीके से पा नहीं पाता तो वो वुडू का सहारा लेता है। क्या चार्ल्स अपने इरादों में सफल हो पाता है या नहीं? क्या नील मेडलिन को इस खतरे से बचा पाएगा या नहीं? इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एज यूजुअल इस वीडियो में मैंने व्हाइट ज़ॉम्बी के प्लॉट को डाइजेस्टेबल पार्ट्स में तोड़ के डिस्कस किया है, इसलिए मैं वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको एक स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूंगा। अगर आप स्पॉइलर फ्री रिव्यू देखना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए हुए टाइम स्टैम्प पे जा सकते हो। आइए अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं मूवी की प्लॉट समरी की। मूवी की शुरुआत में हमें मेडलिन एंड नील को दिखाया जाता है, जो घोड़ा गाड़ी से हेती में ट्रेवल कर रहे होते हैं। हेती एक छोटी सी कंट्री है कैरेबियन यानी वेस्ट इंडीज में। बट अचानक उनका ड्राइवर गाड़ी को रोक देता है। नील जब गाड़ी से बाहर देखता है तो बाहर कुछ लोगों को एक इंसान की लाश को बीच रास्ते में ही दफनाता हुआ देखता है। जब मेडलिन ड्राइवर से पूछती है ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ड्राइवर का कहना था कि ये लोग डेड बॉडी चुराने वाले लोगों से डर के ऐसा कर रहे हैं। रास्ते में हर समय कोई ना कोई आता जाता रहता है, इसलिए रास्ते से डेड बॉडी को चुराना आसान नहीं होगा। वहां से थोड़ा आगे जाने पे मेडलिन एंड नील को मर्डर लेजेंडरी मिलता है, जो कि वहां पे एक शुगर मिल का मालिक था। ड्राइवर मर्डर से चार्ल्स के मेंशन का पता पूछता है, बट मर्डर एक शब्द भी नहीं बोलता और अजीब तरीके से मेडलिन को घूरने लगता है। तभी ड्राइवर को पहाड़ी से कुछ ज़ॉम्बीज़ आते हुए दिखते हैं, जिन्हें देख के वो कार्ड को वहां से भगा लेता है। चार्ल्स एक प्लांटेशन ऑन करता था। प्लांटेशन एक बड़ा लैंड का टुकड़ा होता है जिसपे आमतौर पे कॉफी, शुगर या टबैको जैसी चीजें उगाई जाती है, और कई प्लांटेशन को गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। मेडलिन और नील को चार्ल्स के घर के बाहर ही डॉक्टर ब्रूनर मिलते हैं, जो उनके साथ अंदर घर में जाते हैं। डॉक्टर ब्रूनर को वहाँ किसी की शादी करने के लिए चार्ल्स ने ही बुलाया होता है और वो एज्यूम करते हैं कि वो दोनों नील एंड मेडलिन ही हैं। नील डॉक्टर ब्रूनर को बताता है कि वो और मेडलिन मेडलिन के हेती पहुंचते ही शादी करना चाहते थे, बट चार्ल्स ने उनकी शादी कराने का ऑफर किया और नील को हेती की कैपिटल पोर्ट ऑफ प्रिंस की बैंक की नौकरी की जगह अपना एजेंट बना के न्यूयॉर्क भेजने का वादा किया, जिसे सुनकर डॉक्टर ब्रूनर थोड़ा हैरान होता है क्योंकि चार्ल्स यूजली किसी की हेल्प नहीं था और वो नील एंड मेडलिन को शादी के बाद वहां से तुरंत जाने को बोलता है। चार्ल्स उन सबको ग्रीट करने के बाद मर्डर से मिलने उसकी शुगर मिल में जाता है और चार्ल्स वहां देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज मिल का काम कर रहे होते हैं। चार्ल्स मर्डर को बोलता है कि वो किसी भी तरह से मेडलिन को पाना चाहता है, जिसके लिए उसे मर्डर की मदद चाहिए। इसके रिप्लाई में मर्डर उसे कहता है कि मेडलिन नील को प्यार करती है और उसने वो प्यार उसकी आंखों में देखा है जब वो रास्ते में उन लोगों से मिला था, और मेडलिन किसी भी तरह चार्ल्स की नहीं हो सकती। बट इसके बाद भी चार्ल्स उसे काफी फोर्स करता है, तो मर्डर उसे एक तरीका बताता है जो है मेडलिन को ज़ॉम्बी बना देना। इसे सुनके चार्ल्स थोड़ा डाउट में आ जाता है। फिर मर्डर उसे पाउडर देता है जिसे थोड़ा सा उसे ड्रिंक किया फिर किसी फ्लावर पे लगा के मेडलिन को देना था। नील एंड मेडलिन की शादी से पहले चार्ल्स मेडलिन को बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है, बट मेडलिन अपना डिसीजन नहीं चेंज करती। फिर चार्ल्स उसे एक फ्लावर दे देता है जिसमें मर्डर द्वारा दिया हुआ पाउडर मिला हुआ था। शादी के बाद डिनर टेबल पे जब मेडलिन टोस्ट रेज कर रही होती है, तभी घर के बाहर मर्डर अपनी पेट ईगल के साथ आता है और एक कैंडल से
डोल बनाना शुरू कर देता है, वो उस डोल को आग लगा देता है। और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि मैडलिन भी अपना होश गंवा देती है और मर जाती है। इसके बाद मैडलिन को बरी कर दिया जाता है और नील अब शराब के नशे में बिल्कुल टूट जाता है। नील को हर जगह मैडलिन की स्पिरिट दिख रही थी, जैसे मानो वो उसे कुछ बताना चाहती हो। कुछ समय बाद मर्डर और चार्ल्स कब्रिस्तान में जाके मैडलिन की बॉडी को निकाल लेते हैं, जिसमें वो जॉम्बीज की हेल्प लेते हैं। तभी मर्डर चार्ल्स को बताता है कैसे उसने लीटो, जो कि ना सिर्फ एक विच डॉक्टर था बल्कि उसका मास्टर भी था, जिससे मर्डर ने ये सब वुडू सीखा था, उसको टॉर्चर करके उसने जॉम्बी बना दिया। मर्डर और चार्ल्स के बॉडी ले जाने के बाद वहाँ नील आता है और कॉफिन को खोला हुआ पाता है और मैडलिन की बॉडी वहाँ आसपास कहीं भी नहीं होती। इसके बाद वो सीधा डॉक्टर ब्रूनर के पास जाता है। डॉक्टर ब्रूनर उसे बताते हैं इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो डेथ कल्ट ने उसकी बॉडी चुरा ली है क्योंकि वो बोन्स को यूज करके कुछ रिचुअल्स करते हैं, इसके लिए उन्हें बॉडीज की बोन चाहिए होती है, या फिर वो अभी भी जिंदा है। डॉक्टर ब्रूनर का कहना था कि हेती में कई सारे रिचुअल्स हैं जो अफ्रीकन और इजिप्शियन माइग्रेंट्स द्वारा वहां लाए गए हैं, जिसमें इंसानों को केमिकल्स और हर्ब से कोमा में डाल के उन्हें गूल बना दिया जाता है, जिसके बाद उस इंसान में ना तो दिल होता है और ना ही दिमाग। और ये हेती में इतना कॉमन है कि लॉ में ऐसा करने वालों को अटेम्प्टेड मर्डर के जुर्म की सजा दी जाती है। नील कहता है कि क्या हमें लोकल अथॉरिटीज की हेल्प लेनी चाहिए। इसके रिप्लाई में डॉक्टर ब्रूनर का कहना था कि लोकल्स भी ऐसे मैटर में इंटरफेयर करने से डरते हैं और उन्हें ही कुछ करना होगा। इसके बाद नील एंड डॉक्टर ब्रूनर एक विच डॉक्टर की मदद से मर्डर के हिल टॉप कैसल पे पहुंच जाते हैं, जहां अब चार्ल्स को मैडलिन की सोललेस बॉडी देख के अपने कीवे पे बहुत पछतावा हो रहा था और वो मर्डर को उसे ठीक करने को बोलता है। बट मर्डर उसे बताता है कि उसके पास मैडलिन के लिए कोई और प्लान है। जब मर्डर चार्ल्स को एक ड्रिंक ऑफर करता है तो चार्ल्स को रियलाइज होता है कि मर्डर उसे भी ज़ॉम्बी बना रहा है। मर्डर का कहना था कि चार्ल्स ने शुगर मिल में उसका हाथ नहीं मिलाया, जिसकी सजा में मर्डर ने उसे ज़ॉम्बी बनाने का फैसला किया। तभी नील कैसल के अंदर आ जाता है, जिसे मर्डर देख लेता है और मैडलिन को उसे मारने का ऑर्डर देता है। बट हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि मैडलिन समहाउ मर्डर की ऑर्डर्स को रिजिस्ट कर पा रही थी, शायद नील के प्यार की वजह से। इससे पहले कि वो चाकू नील को मार पाती, डॉक्टर ब्रूनर उससे नाइफ छीन लेते हैं, जिसके बाद मैडलिन कैसल के एज पे जाके खड़ी हो जाती है और नील उसके पीछे पीछे जाता है। इसे देख के मर्डर दूसरे ज़ॉम्बीज को नील को मारने का ऑर्डर देता है। सभी ज़ॉम्बीज नील को घेर लेते हैं, बट तभी डॉक्टर ब्रूनर एक बार फिर नील को बचा लेते हैं और मर्डर को पीछे से वार करके बेहोश कर देते हैं। मर्डर के बेहोश होते ही उसका कंट्रोल ज़ॉम्बीज से हट जाता है और सारे ज़ॉम्बीज एक के बाद एक क्लिफ से नीचे गिर जाते हैं। तभी अपने होश संभाल चुका मर्डर भागने की कोशिश करता है, बट चार्ल्स वहां पे आ जाता है, जो समहाउ अभी भी अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा था। वो अपने साथ मर्डर को भी क्लिफ से नीचे गिरा देता है। मर्डर के मरते ही मैडलिन पर उससे उसका कंट्रोल हट जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और ये मूवी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यही खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। मैं व्हाइट ज़ॉम्बी को दूंगा 3 out of 5 stars। बात करें एंटरटेनिंग फैक्टर की तो ये मूवी एंटरटेनिंग तो है, बट सिर्फ एक बार देखने के लिए। मूवी में ओरिजिनल ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट है, जो कि एक्चुअल में वुडू से ओरिजिनेट हुआ था, ना कि मॉडर्न ज़ॉम्बीज की तरह वायरस और बैक्टीरिया। ये चीज काफी यूनिक एंड रिफ्रेशिंग है फॉर अ ज़ॉम्बी मूवी। मूवी का रन टाइम काफी छोटा है, सिर्फ 67 मिनट्स का, तो ये मूवी बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करती। और साथ ही बेला लुगोसी की एक्टिंग एज मर्डर काफी अच्छी है। अगर आप बात की जाए मूवी की खामियों की तो वो होगी इसका ब्लैक एंड व्हाइट होना, लुगोसी के अलावा दूसरे एक्टर्स की कमजोर एक्टिंग और छोटा रन टाइम होने की वजह से स्टोरी के प्लॉट्स को पूरी तरह एक्सप्लेन ना कर पाना। जैसे कि मर्डर का मैडलिन को लेके प्लान्स मूवी में पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं, जो गेस करने का रूम कहानी में छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं वॉचिंग सोर्सेज की। ये मूवी अमेजोन प्राइम और यूट्यूब दोनों पर ही अवेलेबल है। यूट्यूब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। अब बात की जाए वॉचिंग रिकमेंडेशन की। अगर आपको इस मूवी का प्लॉट अच्छा लगा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा रोमेरो ट्रायलॉजी की तीनों फिल्में, और तीनों ही मूवीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये तीनों मूवीज इस चैनल पे हैं, तो डू चेक देम आउट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इससे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, ताकि मैं इस मूवी का दूसरा पार्ट भी जल्दी इस चैनल पे ला सकूं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय।